हेलो गाइस, तो अभी हमारे साथ है अन एकेडमी के स्टूडेंट, जिन लोगों का आज हम रिव्यू लेने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं, पांच लोग हैं, चार ही लोग बचे हैं। ठीक है, हाय भाई, क्या नाम है आपका? नितिन पटेल। नितिन पटेल, आपका? तनिष्क नेमा। तनिष्क नेमा। राम सोनकिया। राम सोनकिया। ओके, आरव जैन। नीट की तैयारी कर रहे हो? फिर जेई जेई जेडबली। ओके, तो मतलब कितना टाइम हो गया आपको? अभी अन एकेडमी दो महीने हुए हैं। दो महीने हुए हैं। ओके, मतलब जेई की तैयारी करो, राइट? आप तो इंदौर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, फिर भी आपने अन एकेडमी ज्वाइन किया, स्पेशल ऐसा कुछ खास है अन एकेडमी में? नहीं, मैंने जाना देखा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम अन एकेडमी गया था और मैंने वहीं एडमिशन ले लिया। ओके, टीचर लोग भी मतलब बढ़िया थे और बढ़िया पढ़ाते थे। अच्छा, और एक दो दिन मतलब फैकल्टी देखी थी तो वो बढ़िया थी फैकल्टी वहाँ की। ओके, टीचिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया है और पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा है उसका। ऐसा? और अभी तक एक्सपीरियंस तो आपने बता ही दिया, सब कुछ बढ़िया था। आपको कैसे पता चला था अन एकेडमी के बारे में? अन एकेडमी मतलब नाम सुना था पहले। ओके, भाई मतलब सीनियर लोगों से। ओके भाई, आपने कैसे क्या अन एकेडमी के बारे में कैसे पता चला आपको? मेरे जीजा जी पढ़ाते हैं फैकल्टी अन एकेडमी। क्या पढ़ाते हैं वो? इनऑर्गेनिक। आपको पढ़ा रहे हैं अभी? अभी नहीं, वो नीट वाले लोग। अच्छा, मेरे एक भैया ने बताया। अच्छा, और मतलब अभी कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो कोचिंग के अलावा? वो जाती है 5-8 घंटे। तो 5-6 घंटे। टाइमिंग क्या है कोचिंग का? हम लोग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे तक, इसके बाद में आप 5-6 घंटे पढ़ते हो रूम पर? हॉस्टल में रहते हो या रूम से रहते हो? हॉस्टल। आप भी हॉस्टल से? नहीं, मैं अपने दीदी के यहाँ रहता हूँ। अच्छा, आप? हॉस्टल। मैं भी हॉस्टल। कितना कॉस्ट आता हॉस्टल का पर मंथ? 9000 पर मंथ। 9000 पर मंथ। ओके, सोशल मीडिया यूज़ करते हो आप? सोशल मीडिया थोड़ी बहुत करते हो। गर्लफ्रेंड है आपकी अभी? नहीं नहीं है। नहीं मतलब अच्छा, सोशल मीडिया पे हैं हम लोग बट अभी यूज नहीं कर रहे हैं। अभी बंद किया सोशल मीडिया, बिल्कुल नहीं यूज करते हो? नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? YouTube वगैरह चला लिया थोड़ा, और शॉर्ट्स वगैरह बस। कितना टाइम पर डे? कितना? थोड़ा खाना खाते समय वगैरह, और बाकी नहीं चलाते। ओके, अच्छा, मेल फ्रेंडशिप अच्छी होती है फिर फीमेल फ्रेंडशिप? मेल फ्रेंडशिप। मेल फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी है। फीमेल फ्रेंडशिप है या नहीं है? फीमेल फ्रेंडशिप नहीं, नहीं है। आपकी भाई है कुछ है तो ज़्यादा अच्छी कौन रहती है, मतलब फीमेल या मेल? मेल ज़्यादा अच्छी। मेल ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सपोर्ट करने की बारी आती है तो वहाँ पर मेल आगे निकल जाते हैं ना? वो सीधे लग रहे हो यार, मुझे नहीं लग रहा कि आप तो फीमेल कोई फ्रेंड्स भी नहीं है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं, 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 नहीं अभी तक, कभी नहीं, नहीं, नहीं। अरे ऐसा नहीं हो सकता यार, ये लोग पढ़े हैं ना साथ में। अच्छा, साथ में पढ़े हो? एक ही जगह से हो सर? छतरपुर से। छतरपुर से हो? और बाकी तुम तीन साथ में? नमो से, नमो से। एक ही स्कूल से हो? हाँ, एक ही स्कूल से। सच में तुम तीनों की कभी गर्ल्स से तो फ्रेंडशिप रही नहीं है? नहीं, मतलब फ्रेंडशिप ऐसे छोटे में तो सबकी रहती, लेकिन अब भी कोई ऐसी फ्रेंडशिप नहीं, ज्यादा उस टाइप की नहीं थी। अच्छा चलो ठीक है, सारी चीज मजाक की होगी। जो आप जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो इसमें मतलब कोई ऐसा आपकी फैमिली में या फिर आपके जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो वहाँ पर आप किसी को करके दिखाना चाहते हो कि यार मैं इतने बड़े पद पे जा सकता हूँ, ऐसा कुछ किसी को जलाना है इस टाइप से? तो आए हैं मतलब करके तो बताएंगे। मतलब कोई है ऐसा जिसको आप जलाना चाहते हो? कुछ है नहीं, वो अपना तो लाइफ का गोल है थोड़ा कि करना है, एक चीज जलाना नहीं चाहते, खुद के लिए सक्सेस होना चाहते हैं और आगे फिर तो सुधर ही जाता है सब। अगर एक जन सक्सेस हो गया तो फिर तो सही है, पूरी पीढ़ी हो जाती है। अच्छा, ऐसा कोई सा ड्रीम जो बचपन में हो था, लेकिन मतलब बचपन से अभी तक था लेकिन अब छूट गया हो? बचपन में कुछ और ड्रीम रहा हो आपका? क्रिकेट। आपका? उसके अलावा? एनडीए में जाना था। एनडीए में जाना, गेमर बनना था मुझे। गेमर बनना था आपको? क्रिकेटर। भाई आपको? आईआईटीएन बनना था। आईआईटीएन नहीं बना था, आप तो पक्का बन जाओगे इतना लग रहा है। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली से कोई पहले से इस फील्ड में है? अभी भैया ने पिछले साल दिया था तो उनका 98% आए थे। फिर वो क्या कर रहे हैं अभी? अभी वो ये अभी जाएंगे अब कॉलेज। क्या क्या मिला उनको? अभी नागपुर जाएंगे NIT या फिर भोपाल जाएंगे। अच्छा, इस बार मिला है ना? ओके, आपको मतलब जैसे आप डीमोटिवेट होते हो ना तो किसको देखकर आप मोटिवेट होते हो या किससे किसी से बात करते हो? नहीं, घर पे कर लेते। किससे करते हो? मम्मी। मम्मी से? ओके, आप बहुत सीधे लग रहे हो मुझे, सही बोल रहा हूँ? ये वो सीधे है ना? हाँ, वो सीधा है ऐसा। अच्छा, आप सभी में से सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है? सभी लोग 5-6 घंटे फिर भी स्कोर में कोई ना कोई तो थोड़ा ज्यादा स्कोर कर ही लेता होगा ना? दो टेस्ट हुए, कभी ये आगे निकल गया, कभी मैं आगे, कभी वो आगे, ऐसे ही मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता रहता होगा। अच्छा, भाई की गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं है। नहीं है? है? नहीं है। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें फ्रेंड मतलब जो रिलेशनशिप इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी नहीं आना चाहिए। कब तक? अभी जब तक आप एक एक एज होती है
जब प्रिपरेशन कर रहे हो उस स्टेज तक या फिर कॉलेज में चले जाए तब तक? कॉलेज के बाद कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज, हाँ लेकिन कॉलेज आपका मनपसंद होना चाहिए और वहाँ तक जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप मतलब जो मेहनत कर रहे हो उसे सेटिस्फाई हो कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो? हाँ मतलब मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना कर रहा हूँ अभी मैं इससे ज़्यादा और भी कर सकता हूँ और मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ हर दिन। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? ड्रीम तो IIT है। कौन सा? IIT बॉम्बे। बट IIT बॉम्बे से ज़्यादा मेरे को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि एक एक IIT का टैग मिलना ना, वही सबसे बड़ी बात। ओके, मतलब कोई सा भी IIT मिलना चाहिए। भाई आपका ड्रीम कॉलेज? IIT बॉम्बे। आपका? IIT दिल्ली। IIIT हैदराबाद। IIT रुड़की। क्यों सबका IIT अलग अलग है? आप एक मतलब अभी तक आप साथ में रहे हो पर अभी अलग अलग मतलब सोच रहे हो? अगर सबको IITian से मतलब जो IIT में जाना चाहता है उसका सबसे पहला ड्रीम तो IIT बॉम्बे रहता है, फिर उसके बाद दिल्ली, कानपुर, CS रुड़की। ओके, मतलब सबकी अगर अच्छी रैंक आ गई तो सब IIT बॉम्बे चले जाओगे? IIT हैदराबाद। ये देखो सब अलग अलग हो जाओगे। वो तो काफी अनफॉर्चुनेट है, वो तो होना ही पड़ता है कभी ना कभी। हाँ सही है, ड्रीम के लिए भाई सब कुछ करना ही पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकला था। ओके, दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं घर से बाहर आया हूं। ओके, मतलब यही आपका सैक्रिफाइस अभी तक सबसे बड़ा? ऐसे अभी तो कह सकते हैं। ओके, आपका कोई ऐसा सैक्रिफाइस जो अभी तक आपने मतलब सबसे बड़ा सैक्रिफाइस हो आपके लिए? मेरा कोई सैक्रिफाइस, मैं तो वैसे ही घर से दूर रहा हूँ शुरू से, तो मेरा तो सैक्रिफाइस नहीं है। मैं अभी पहली बार ही निकला हूँ मतलब घर से बाहर, इतनी बार मैं कभी नहीं निकला। घर की याद आती है? घर की याद थोड़ी आती है। पहली बार निकले हैं तो मतलब थोड़ी बहुत याद आई। किसकी आती है घर में सबसे ज्यादा? घर की या मतलब पापा मम्मी? मम्मी की आती है। ओके भाई आपको? मुझे भी मम्मी की आती है यार, बहुत आती है। भाई आपको? सबकी आती है। सबकी आती है, सबसे ज्यादा किसकी आती है? सबकी, मम्मी पापा चाचा सबकी आती है। सबकी याद आती है। बात करते हो डेली? डेली करते हो? तो कभी जब इंदौर आयो तब से आप कभी जब बात करते करते इमोशनल हुए, रोए हो कभी फोन पर? पहले दिन नहीं हुआ, पहले दिन हो गए थे। आप लोगों में से कोई पहले स्टार्टिंग के मंथ में? अच्छा, कंटिन्यू है फिर एक दो दिन? नहीं, एक दो दिन कंटिन्यू है, फर्स्ट टाइम सबको लगता है। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि यार इंदौर घर से दूर नहीं रह सकते, वापस घर चलते हैं? मतलब पहले बहुत लगा था, पूरा ज्यादा जाने का प्लान हो गया था, लेकिन फिर मतलब ऐसा सोचा होगा कि यार चलो ऑनलाइन कर लेंगे, घर से दूर नहीं रह सकते, घर से अब तो हैबिट हो गई है ऐसा। तो मतलब डिसीजन आपको सही लग रहा है कि हाँ सही किया आपने रह के यहाँ पर? सही लग रहा है। अच्छा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन विच इज बेस्ट? Offline. मुझे तो ऑफलाइन लगता है, ऑफलाइन सही लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में एक्चुअली मैंने 12th में भी बैच लिया था और मैं वो भी बता देता हूँ, मैंने PW का ही बैच लिया था। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये रही है हमेशा से कि मैं कंसिस्टेंट कभी नहीं रहा उसमें। ओके, थ्योरी तो मैं पढ़ लेता था और लेक्चर्स देख लेता था, लेक्चर ही लेक्चर देखने के चक्कर में मैं नोट्स बना लेता, बट मैंने कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दिया, इस कारण से मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा। शायद मैंने कर ली होती तब मैंने, तो शायद मैं आज अभी यहाँ नहीं होता। टीचर तो ऑनलाइन के ही बेस्ट रहते हैं, ऑफलाइन के, ऑफलाइन से बेस्ट टीचर ऑनलाइन के रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन से पढ़ नहीं पाते, जो पढ़ लेता ऑनलाइन उसके लिए बेस्ट है, लेकिन अच्छा जो अभी जो बैच में फैकल्टीज मिली उसमें भी कुछ फैकल्टीज में प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं, मतलब हर बैच में कुछ ना कुछ एक दो फैकल्टी में रहती है, वाइब मैच नहीं होती है कुछ टीचर से हमारी, बट उस सेंस में अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम पे एक चीज जो मेरे अब ज्यादा काम आ रही है वो है कि जो मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी ना उसका थोड़ा बहुत मेरा इनपुट आ रहा है, ऊपर से जो मेरी सेल्फ स्टडी है वो मेरा थोड़ा बढ़ गई है। ओके, इस अच्छा, चक्कर में। ओके, अच्छा एक चीज मेरे को देखने को मिल रही है, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इंदौर में है उनके कंपेयर जो अनअकैडमी के बच्चे हैं वो स्वेटर पहन के क्यों घूमते हैं, इसका कोई राज है क्या? नहीं, मेरा तो मैं बता देता हूँ, मेरा क्या है, जब मैं क्लासरूम में बैठा रहता था शुरू शुरू में तो टी शर्ट बजती, तो एसी चलता था तो मुझे काफी ठंड लगती थी, इसीलिए एसी को बढ़ाओ तो सब लोग गर्मी लगती है, कम करो हम लोग। तो मतलब अनअकैडमी में ही चलती, बाकी कोचिंगों में एसी वगैरह नहीं चलती है क्या? चलती होगी, लेकिन होगी वहाँ रोकते हो शायद पहनने के लिए, हम लोग के दिन नहीं रोकते, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एसी थोड़ा तेज चलती ना। ओके ठीक है, और कुछ बताना चाहो अपने साइड से? अनअकैडमी कोचिंग के बारे में जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे हमेशा सारी चीज़ें पूरी की पूरी वो नहीं होती है ना, जैसे जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी वही उतर, मतलब सारी चीज़ें वो हमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं मिली आपको। एक्चुअली मेरी जो सबसे बड़ी मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक लूप बोल सकते हैं जो है कि यहाँ पे ना ऐप में बहुत दिक्कत है अनअकैडमी के। ओके, ऐप में क्लासेस में बहुत दिक्कत है, रिकॉर्डिंग्स पे बहुत दिक्कत है, और इसके बारे में मैंने कई बार उनसे भी बात करी है और उन्होंने भी कहा है कि वो भी एडमिट करते हैं कि हाँ ऐसा है,
बट मेरे को यही लगता है, बाकी अगर मैं बात करूँ मटेरियल की तो मटेरियल टॉप नॉच है, मटेरियल भी अच्छा है और मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना अकेडमी को, उसके बावजूद उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया, इंप्रूव किया है, टीचर बहुत अच्छे हैं, मॉड्यूल की क्वेश्चन भी हाई लेवल है और पूरे मेंस लेवल के हैं पूरे। अच्छा, एक बैच में कितने स्टूडेंट रहते हैं? एक बैच में हम लोग 75-70, उसमें गर्ल्स भी रहती है। हाँ, तो अट्रैक्शन नहीं होता है कभी? अब वो ड्रॉपर है तो थोड़ा वो ड्रॉपर के लिए करना पड़ता है थोड़ा। नहीं नहीं, इस केस में मैं ये बोलना चाहूंगा होता है, बट कहीं ना कहीं अगर जब आपको पता रहता है कि नहीं आपको क्या करना है लाइफ में ना, तो आप अपने आप वो सारी चीजें छोड़ देते। अच्छा, जैसे मैं गीता भवन एरिया में मैंने देखा बहुत सारे कपल्स एक्सपीरियंस घूमते हैं नीट और जेईई वाले। अच्छा है, मैं वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आपके यहाँ पर ऐसे देखने को मिलते हैं कि नहीं? हाँ, देखने को मिलते हैं, नीट वालों में ज्यादा देखा जाता है, नीट वालों में। एक्चुअली मेरी क्लास में एक है, बट अब हालांकि उन्होंने कभी एडमिट तो नहीं किया कि वो है कि नहीं है, हालांकि कुछ कई बार हम देखते हैं तो हम थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, बट ऐसा है, बाकी ऐसा नहीं है, सब अपने गोल की तरफ काफी मोटिवेटेड है, तो वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते हैं, ये सब चीजों में तो अभी नहीं दे रहे। सही है। कि आप लोगों को मतलब क्लास में कोई क्रश है आपकी, आपके बैच में? बैच में नहीं, नहीं अभी आपकी नहीं, नहीं नहीं आपकी होगी यार, होगी पक्का। अच्छा, क्रश लायक है ही नहीं कोई? अरे यार, ये तो अगर आपके बैच की लड़कियां देखेगी तो उनकी बेइज्जती हो गई यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब अगर उनके साइड से भी पूछा जाए आपका कोई क्रश है, वो भी तो यही बोलेंगे। हाँ, वो भी यही बोल, हो सकता है यही बोलेंगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब सब यही है कि आप गोल की तरफ मोटिवेटेड है ना, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं काफ़ी दूर हो, अब ये सारी चीज़ों में उतना ध्यान नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका वीडियो यूट्यूब इंस्टा पर यूज़ कर सकते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।